ये दोस्तों एक मूंगफली का खेत है जो यहाँ से मूंगफली निकाल ली गई हुई है। और जो ये देखो ये पोटे जो कि इनकी जो नीले का चारा भर रहे हैं, और ये मूंगफली चुगने की मशीन लगी हुई है। जो भी खेत में मूंगफली छूट जाती है उसको इस मशीन से चुगते हैं। ये चारा लगा हुआ है, चारना के अंदर कोई मशीन टाइप में सेट है। ये देखो ये आगे खेत का एक मेर आ गई है, वहाँ से घुमा रहे हैं। ये देखो ये मूंगफली चुगने की मशीन है। जो भी अपन मूंगफली निकालते हैं, जो मूंगफली टूट जाती है वो इसी मशीन द्वारा निकाला जाता है। वैसे पिछले टाइम में क्या करते थे, एक एक मूंगफली को चुगना पड़ता था, जिसमें टाइम बहुत लगता था और इतने आदमी नहीं मिल पाते थे। आज इसमें फटाफट मूंगफली चुग जाती है। इसके अलावा कोई पत्थर भी आ जाते हैं वो भी साफ हो जाते हैं, और इसके अलावा और भी कोई दिक्कत हो जैसे कुछ अपनी चीज़ गिर जाती है वो भी साफ हो जाती है। ये देखो ये तो पहले की ज़मीन है, और ये मूंगफली चुगने की बाद में कैसी ज़मीन बिल्कुल साफ और अक्षार हो गई। और लगभग पूरी मूंगफली यहाँ से चुग लेते हैं। ये देखो और ये जगह बिक चुकी हुई है, जो अब इसमें अब मूंगफली मशीन से चुगाई होगी। ये बिल्कुल एक भी मूंगफली नहीं छोड़ती है। पहले अपन को हाथ से मूंगफली को चुगना पड़ता था, और ये इस साइड में ये हरा हरा खेत दिख रहा है, ये मूंगफली का खेत है जिसमें मूंगफली लगी हुई है। ये अभी तक ये पक के तैयार नहीं हुई, और ये दिख रहा है सामने, इसमें मूंगफली खोद ली गई है जिसको अपन गेटा बोलते हैं। मूंगफली खोदने के बाद में ये इसमें गेटा कर दिया गया है। ये देखो ये अपन इसको गेटा बोलते हैं। और जो वो ट्रैक्टर पे काम कर रहे हैं उन्होंने क्या मूंगफली निकाल ली। मूंगफली निकालने के बाद में मूंगफली अलग हो जाती है, और उसका जो चारा होता है उसको अपन निर्णी बोलते हैं। निर्णी जो भी जानवर खाने में काम में आती है, अब वो निर्णी को ट्रैक्टर के अंदर भर रहे हैं। तो दोस्तों देखा, पहले एक एक मूंगफली को अपन को चुगना पड़ता था, जब जाके मूंगफली खेत से निकल जाती थी, और लगभग 15-20 दिन एक बीघा में लग जाते थे। लेकिन आज मूंगफली चुगने वाली मशीन एक लगभग आधे घंटे के अंदर एक खेत में मूंगफली चुगाई कर देती है। और यह है, इसमें अभी मूंगफली हरी है लगी हुई है, और अभी इसमें थोड़ा टाइम बाकी है तो इसको पानी पिला रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।